Hey guys, welcome to my channel Poo Vlogs. I'm back in my house. विलेज में बहुत बहुत मजा आया एंड मैं फिर वापस जाने वाली हूँ क्योंकि वो लोग अपना जो वीडियो है उसको देख के बहुत ही एक्साइटेड है और उन लोग और वीडियो बनाना चाहते हैं, तो मैं बहुत जल्द गांव जाने वाली हूँ फिर से. और आज हम लोग कुकिंग करने वाले. ओह माय गॉड, ये मेरा सपना था, मैंने आज तक कभी टेस्ट नहीं किया. एक बार कोरियन फूड कोरियन रेस्टोरेंट में खाया था, ऑक्टोपस का इतना छोटा सा पीस, इतना सा पीस, बट कुछ टेस्ट का पता नहीं चला था. सो आज हम लोग बनाने वाले हैं ऑक्टोपस. कैसे बनाना है हम लोगों ने पूरा रेसिपी देख लिया है, मैंने ब्रदर को भेजा है ऑक्टोपस लाने के लिए. तो हमारे यहाँ ऐसा अवेलेबल नहीं है, तो फ्रोजन वाला मिलता है. 500 रुपीस का हाफ केजी है, सो उसमें 4 to 5 pieces है, 5 pieces है, सो इट्स एनफ फॉर अस. सो और हमेशा हम लोग ट्राई करते हैं कि ऑक्टोपस का कुछ बनाएंगे, बहुत यूनिक है, चलो ट्राई करते हैं, लेकिन पता नहीं टेस्टी होगा कि नहीं, इसलिए आप लोगों के लिए मैं ट्राई करने वाली हूँ आज. और आप लोगों को एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि कैसा टेस्ट बना है. तो ठीक है, शुरू करते हैं. ये है हमारा आज का रेसिपी ऑक्टोपस. तो यहाँ पे तो सागर नहीं है, तो हम लोग को फ्रेश ऑक्टोपस नहीं मिलता है, फ्रोजन वाला मिलता है. तो उसको मैंने पानी में रख के डिफ्रोस्ट कर दिया है. ओ ये ऑलरेडी क्लीन वाला है, तो ना ये देखो ना, अंदर में सब साफ किया हुआ है. ओह माय गॉड, ये हम फर्स्ट टाइम ऐसा दिख गया. ये बीच का, लेकिन ये जो ब्लू वाला है ना, उसको निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा और नरम होने देते हैं. ये तो पूरा फिश जैसे स्मेल कर रहा है, इवन अभी अच्छे से साफा करने वाला ही लग रहा है. ये देखिए गाइस, एकदम आपको क्लोज अप व्यू दिखाते हैं ऑक्टोपस का. ये आज हम लोग बनाने वाले हैं. ये सबको देखो, ये जो सेंटर में ब्लू ब्लू दिख रहा है, इसको अच्छे से साफ करना पड़ेगा. ऐसा ना, एक पैकेज आया है. Hi Dee, how are you? As a subscriber and a small business owner, we are sending you a small love from us. ये note है from Crafty Scrunchy. मैं link दे देती हूँ guys description में, आप check कर सकते हैं. Oh my god, इतने सारे ये सारे scrunchies हैं. पूरा fashion में चल रहा है scrunchies. अगर बालों में लोग बालों में भी बांधते हैं और कोई कोई हाँ ऐसे भी पहनते हैं, बहुत अच्छा लगता है. देखिए pink. ना क्यूट है. ओ माई गॉड, ये देखिए ये वाला प्रिंट कितना प्यारा है. रबर बैंड है और इतना लॉन्ग है इसका, ये बो का जो टेल है. और स्क्रंचीज के साथ ऐसा बो वाला रबर बैंड भी है, ऐसे आसानी से खुलने वाला, सिलाई खुलने वाला नहीं है. बहुत ही क्यूट लगा मुझे. गुड क्वालिटी स्क्रंचीज एंड रबर बैंड. यू कैन चेक आउट देयर इंस्टाग्राम हैंडल गाइस, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया है. आउटडोर कुकिंग होगा. फूकनी भी लाया. सॉरी. यहाँ पे मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए आपको दिखा देती हूँ. यहाँ पे है आलू, जिंजर, गार्लिक, और यहाँ से मैं लेने वाली हूँ कड़ी पत्ता. ओके, सो मैंने एक रेसिपी देखा था, तो इन लोगों ने साउथ इंडियन स्टाइल में बनाया था, तो बहुत डिलीशियस लग रहा था, तो मैं ये लेने वाली हूँ कड़ी पत्ता. आग आग बहुत ज्यादा है. क्लीन कर दिया, फिर भी हम लोग इसको गर्म पानी में एक और बार साफ भी हो जाएगा और थोड़ा पक भी जाएगा. तो अभी हम लोग नमक डालेंगे सबसे पहले. अभी हम लोग डालेंगे ये ना ऑक्टोपस. ये देखो गाइस, फर्स्ट टाइम कुक कर रहे हैं हम लोग. ये हम लोग बॉईल करने वाले हैं. मत पूछो, बहुत बढ़िया. ये लेकिन अच्छा क्वालिटी वाला हमें मिला है, क्योंकि ऐसे यूजुअली फ्रोजन लेने से ना
खड़ा वाला भी होता है गन मारने वाला, लेकिन ये अच्छा वाला है, पूरा क्लीन वाला। हाँ, और सफा भी बहुत अच्छा से है ना। देखो तो पानी में डालते ही वो टेंटेकल्स कैसे फूल गया, पूरा फूल रहे हम लोग, पूरा फ्लावर जैसा। देखो तो गाइस टेंटेकल्स लोग कैसे फूल रहे, देखो ना हिल रहे, ना हिल रहे, वो जिंदा है जैसा हिल रहे, तो असली का देखो तो। ओह माय गॉड, हाय, ये क्यों हिल रहा है, ये ऐसे हिल रहा, पता नहीं फ्रोजन। तो अभी गर्म पानी में नमक, नमक पानी जो गर्म हुआ है उसमें अच्छा से उबलने से सब गंदगी सब निकल जाएगा अंदर से अच्छा से, ना अपने आप हिल रहे ना ये सब। वही तो, लेकिन ये ऑलरेडी मतलब मरा हुआ है, पूरा साफ ऑफ कर चुका है। So I can see them moving. OMG. Wow, ये इसका शेप देखो तो फ्लावर जैसा हो गया। Wow. इतना सुंदर से फूल गया है लोग ना। This is first time cooking octopus in my channel, guys. इसलिए मैंने अच्छे से रेसिपी रिसर्च कर लिया है। और बाहर में जो खाते हैं लोग यूजुअली उनका फ्लेवर बहुत ही प्लेन होता है, उन लोग सॉस के साथ डिप करके खाते हैं, बट बीइंग एन इंडियन हमें थोड़ा सा चाहिए मसालेदार, तो मैंने एक साउथ इंडियन रेसिपी देखा है तो वही आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, वो भी इसका ही एकदम अच्छा लगता है। मम्मी डेंजर पीसते हैं सब पहले, मम्मी चूड़ी पहनता था तो इतना मजा देखने के लिए। कलर चेंज हो गया, ठंडा करेगी। देखो इतना छोटा हो गया साइज, तब ये ठंडा हो गया। ओ देखिएगा इतना, अरे हे भगवान, इतना छोटा हो गया ना, छोटा छोटा हो गया लग रहा है। देख तो क्या बोलते हैं, चीवी है ना, ऑक्टोपस चीवी होता ही है, लेकिन होता ही है। इसको अभी हम लोग ऐसे शेप तो रखना पड़ेगा, तो इसको हम लोग दो भाग कर देते हैं ना। वो ये रहा जो बॉयल हो चुका है, तो इसको हम लोग दो हिस्सा में काटते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, डायरेक्ट निकल गया इसका माथा, मक्खी भी हो रहा है ना, इसका स्मेल का वजह से। करोड़पति का हाथ ही देखिए देखिए, ये देखो पूरा सॉफ्ट हो गया ना, जिससे एकदम सॉफ्ट। इसका बहुत स्मेल होता है बोलते हैं, लेकिन आज जब बॉईल किया तो कुछ तो स्मेल ऐसा लगा नहीं, फिश जैसा ही लग रहा है। लेकिन रेसिपी में लेमन जूस डाला था, तो हम लोग लेमन जूस भी डालने वाले हैं, लेमन का रस। देखा है तो ये चिंग करके जिंदा हो जाने से। ऐ लेमन का जूस का बदली ना विनेगर भी डाल सकते हैं बोलते हैं, कुछ भी खट्टा वाला ना। आई कौन है घर घर उना उना, अरे लुकी लुकी है, क्या लुकी लुकी कर रहे हो, लुकी लुकी कर रहा है, गाउड़ी है ना ये। अभी हम लोग फिर से वही कढ़ाई को यूज कर रहे हैं, यहाँ का पानी को फेंक दिया। अभी आग लगाते हुए तो सबसे पहले ऑयल डालते हैं इसमें, कड़ी पत्ता डालने का थोड़ा ना। हाँ डाल दो, वाओ वाओ, मसाला का डाल के थोड़ा पका लेंगे। वाह, हम तो पूरा प्रोफेशनल खाना बनाने वाला जैसा, जब पार्टी में खाना नहीं बनाते हैं, शादी पार्टी में कोई बुलाना चाहते हैं तो बुला सकते हैं। अभी तो ऐसे भी शादी का सीजन है ना, कोई भी बुक कर सकता है ना, बुक कर सकता है प्रीतिस वर्ल्ड और पू ब्लॉग्स को। आलू का चलो बच्चा, आलू को चलो बेटा, कहाँ गए थे। मीट मसाला थोड़ा सा, थोड़ा रेड चिली पाउडर कलर के लिए जी। ठंडा
डाल देंगे इसमें। अपने वाला मसाला है ना, वो भी खाने बहुत मजा होगा। उसको बाद में हम लोग निकाल देगा क्योंकि इसको तो नहीं खा सकेगा, तो कड़वा रहेगा ना। वाओ, इतना बड़ा बड़ा पीस ना। नहीं, ये क्या? और नींबू ना, नींबू नींबू खाओ। देखिए हमारा ऑक्टोपस आलू कड़ी बन गया है। ओ जी, उसका स्मेल तो बहुत अच्छा आ रहा है, कड़ी पत्ता और नींबू का, लेकिन टेंटेकल्स देख के ना थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ा गंगील लग रहा है ना। अंगीर अंगीर गाइस, ये हमारा ऑक्टोपस। वाओ, बढ़िया। कैसा है बताओ, कैसा है? टेस्टी है। असली की नकली है? इतना सही लो। हाँ, टेस्टी है तो। ये थोड़ा भी च्यू भी नहीं है और बहुत ही सॉफ्ट हो गया, श्रिंप नहीं होता है, थोड़ा मशरूम मशरूम जैसा लग रहा है। तुम गिराएगा क्या बोलते हैं, प्रॉन प्रॉन का जैसा टेस्ट आ रहा हमको ना। नमक डाल के खाना होगा, बहुत मजा है ना। चलो खाते हैं। बढ़िया, मतलब जैसा सोचा था हम लोग, डरावना होगा ऐसे तो नहीं है, नहीं, अच्छा है ना टेस्ट। और एक आइडिया देगा, लेमन जूस स्क्वीज करके बहुत टेस्ट आता है। टेस्ट करना पड़ेगा। एक लेमन ला दीजिए प्लीज। ना ना, मिक्स कर दिखाओ तो। वैसे चिली चिकन टाइप का बनाने से भी अच्छा टेस्टी लगेगा ना। खाना में मजा आता है। थैंक यू सो मच गाइस आज का ब्लॉग देखने के लिए, और ऑक्टोपस बनाकर और खाकर हमें तो बहुत मजा आया, तो बहुत बढ़िया। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिए, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसा एक्साइटिंग वीडियोस और भी बहुत सारा आने वाला है, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। और मेरे पास कुछ है, क्या देखा? आई हैव अनदर फ्रेंड। ये सबसे पहले फ्रेंड है लेकिन अभी ये यूट्यूबर बनने वाली है, तो इसका चैनल है यहाँ पे। तो हम लोग इसको मीना बुलाते हैं लेकिन इसका जो रियल नेम है वो है प्रीति, तो मैं मीना भी बोलूंगी। मीना, आप बताओ अपने चैनल के बारे में, और डियर सब्सक्राइबर्स को आपके चैनल में क्या क्या देखने को मिलेगा? ओ तो सबसे पहले तो सबसे पहले मेरा जो चैनल का नाम है वो है प्रीतिस वर्ल्ड। तो आपको मेरे चैनल में देखने को मिलेगा ट्रेवलिंग करने वाला, इसके बाद फूड, हमारे यहाँ पे लोकली मतलब कैसे मच्छी मारा जाता है, और भी बहुत कुछ। अभी बता देने से मजा खत्म हो जाएगा, तो सरप्राइज। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर चेक करिएगा। एंड विल सी यू सून इन आवर नेक्स्ट व्लॉग। बाय।